अयोध्या में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री व पूज्य संत समाज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के राष्ट्रीय पदाधिकारियों द्वारा राम मंदिर की भूमि पूजन किया गया। इस उपलक्ष्य पर बिलासपुर बजरंग दल इकाई ने अधिवक्ता तुषार डोगरा के नेतृत्व में वन विभाग की नर्सरी में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है, इस नाते वहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता ने एक वृक्ष लगाया, जो वृक्ष भगवान श्री राम को अर्पित किया गया। ये संपूर्ण समाज के लिए एक गौरवमय क्षण है, इसी क्षण को अमर बनाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिवक्ता तुषार डोगरा ने कहा कि पिछले 500 सालों से इतिहास में विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर का आंदोलन था, जिस आंदोलन को हिंदू समाज की कई पीढ़ियों के द्वारा लड़ा गया। 76 युद्ध इसमें लड़े गए। 70वें युद्ध को कानूनी प्रक्रिया के द्वारा 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जीता गया। विपूर्ण भारतवर्ष 135 करोड़ लोग आज बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम राष्ट्रीयता के सबसे बड़े प्रतीक हैं, क्योंकि भारत की आत्मा हमारा संविधान है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये बात सत्यापित की गयी कि भारत के सबसे बड़े राष्ट्रपुरुष भगवान श्री राम हैं। उन्होंने संविधान के सबसे पहले पन्ने पर भगवान श्री राम का चित्र अंकित किया, जो दर्शाता है कि भारत में राम की महिमा क्या है व राम का राष्ट्रीय भाव हम सबको प्रस्तुत करता है। आज पूर्ण विश्व के संत समाज के प्रतिनिधियों ने वहां भाग लिया, जो कि एक कुंभ के समान आज दर्शन पूरे भारतवर्ष ने किए, और अयोध्या के अंदर जो मंदिर बनकर तैयार होगा पूरा वह विश्व का सबसे सुंदर अलौकिक स्थान होगा। आज हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि हम वह पीढ़ी हैं जो इस मंदिर निर्माण को बनते हुए व उसके उपरांत इस मंदिर के दर्शन भी कर पाएंगे। लगभग 25 से अधिक पीढ़ियां व पूर्वज इस सपने को साकार होते होते अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दी, वे आज उसी का परिणाम हम सब के सामने आया है। आज अयोध्या के अंदर राम मंदिर के भूमि पूजन के उपलक्ष्य में बजरंग दल बिलासपुर के द्वारा एक वृक्षारोपण वन विभाग के साथ मिलकर एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज इसलिए आयोजित किया गया क्योंकि भगवान राम को ये वृक्ष लगाकर यहाँ पर अर्पित किए जा रहे हैं। पूर्ण हिंदू समाज 500 वर्षों की लड़ाई के पश्चात 77वें युद्ध को जीतकर आज अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिसके लिए पूर्ण हिंदू समाज, भारत की 135 करोड़ जनसंख्या इसके लिए बधाई की पात्र है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी हम सभी के समक्ष और एक गौरवान्वित क्षण करने वाला जो है हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आह्वान पर आज रात के अंदर अपने घरों में दीपावली मनाने का जो कार्यक्रम रखा है, 11 दीपक कम से कम अपने घर के अंदर जलाएं और विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान से पूरे प्रदेश के अंदर 11 लाख से अधिक दीपक आज रात को जलेंगे और हिमाचल प्रदेश दीपों की संध्या में सराबोर होगा, और एक दीपावली के नाते पूर्ण हिंदू समाज और भारतवर्ष इस त्योहार को आज मनाने के लिए उत्सुक।